तो आज की वीडियो में मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। तो अगर तुम लोगों को नहीं पता माइनक्राफ्ट हार्डकोर क्या है तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। ये एक ऐसा मोड है जिसमें डिफिकल्टी हार्डेस्ट सेट हो जाती है और अगर हम एक बार भी मरते हैं तो डायरेक्टली हमारा वर्ल्ड डिलीट हो जाता है। एंड अगर बाई चांस तुम लोगों को नहीं पता तो बता दूं, मैंने इस वर्ल्ड में ऑलरेडी 1000 डेज सर्वाइव कर रखे हैं, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि मैं इसके अंदर मरूं और अपने 1000 डेज वाला वर्ल्ड लूज कर दूं। तो इन 100 डेज के लिए मेरे कुछ गोल्स होने वाले हैं, जैसे कि मैं बनाने वाला हूँ कुछ अमेजिंग से फार्म, कुछ बड़ी बड़ी सी बिल्ड और वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये सब चीज़ें मुझे 100 डेज में करना ही है और अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मेरा चैलेंज फेल हो जाएगा। ओ डैम गाइस, लिटरली भाई मुझे इंट्रो रिकॉर्ड करने में, सारी चीज़ें सेटअप करने में ही मेरा एक दिन अभी जा चुका है। मतलब मुझे ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अब 99 डेज में करनी है। ओके, तो इन 100 डेज में जो सबसे पहला काम मुझे करना है वो है इस एक्सपी फार्म को यहाँ से हटाना। अगर तुम लोग पता होगा तो तुम लोग जानते होगे कि ये मेरे वर्ल्ड का सबसे पहला फार्म था, अगर तुम मेरी सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो। बट इसमें दिक्कत ये है कि इसमें अब कोई भी मॉब स्पॉन नहीं होता। इसका रीज़न ये है इसके नीचे की केव, क्योंकि सारे मॉब वहीं स्पॉन हो जाते हैं तो इसके अंदर कोई भी मॉब अब स्पॉन नहीं होता, तो ये टोटली यूज़लेस है और बहुत ज़्यादा गंदा भी दिखता है। तो इसकी जगह हम कोई और फार्म बनाएंगे, कुछ और बिल्ड बनाएंगे, पर अभी के लिए इसको हमको रिमूव करना पड़ेगा। तो इस फार्म को रिमूव करना हमारे लिए कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ होने नहीं वाली, क्योंकि हमारे पास हेस्ट वाला बीकन यहीं पर है, तो हम हेस्ट वाला बीकन यूज़ कर लेंगे जिससे ईजिली हम इस फार्म को तोड़ लेंगे। एंड मुझे 2 दिन तो सिर्फ इस फार्म को ही तोड़ने में लग गए थे, बट फाइनली 2 दिन के बाद हमने पूरा पूरा फार्म तोड़ दिया था और सारा का सारा सामान भी कलेक्ट कर लिया था जो हमको बाद में काम आने वाला है। तुम देखोगे कहाँ पर हमको काम आने वाला है। ओके, सो जो नेक्स्ट काम मुझे करना है, मुझे बनाना है एक छोटा स्टोरेज रूम जिसके लिए मुझे बहुत सारा सामान लगने वाला है। बट वो स्टोरेज रूम मुझे इसलिए बनाना है ना, देखो भाई मेरी सारी चेस्टें या तो बाहर रखी हुई है, या तो भाई इस छोटे से घर के अंदर रखी हुई है, या तो कहीं और पड़ी हुई है। तो मुझे सारा सामान अरेंज भी करना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला हमको। एंड मेरे पास, मैंने तुमको बोला था कॉबलस्टोन कहाँ काम आने वाला, तो यहाँ पर काम आने वाला है। बट उससे पहले ना मेरे पास है ना फूड की कमी हो रही है, मतलब मेरे पास लिजिट गोल्ड है पर कैरेट एक ही है, तो अगर मैं अभी कैरेट उगाने बैठा हुआ बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए मैंने सोचा एक काउ फार्म बनाते, मतलब काउ फार्म क्या, काउ बांध क्या बोलते हैं उसको, तो बनाते फटाफट से, क्योंकि ना मेरे को फूड के लिए अब मैं नहीं करने वाला बहुत ज़्यादा इंतज़ार। अब पहले भी मेरे पास एक फार्म था बट न्यू अपडेट के बाद कैंप फायर से डैमेज पड़ना बंद हो चुका है, तो फार्म किसी काम का नहीं रह गया, इसलिए अब मुझे नया फार्म बनाना पड़ेगा। तो चलो फटाफट से उसके लिए सामान कलेक्ट करते हैं एंड जगह ढूंढते हैं। ओके, सो फाइनली हमको एक जगह मिल चुकी है। वैसे मैं इसको पहले यहाँ पर बनाना सोच रहा था बट वो थोड़ा अजीब लगता, इसलिए मैं इसको मेरे फार्म लैंड के उधर ही बनाने वाला हूँ, और स्पेशली ये जो मेरा आयरन फार्म उसके नीचे, क्योंकि वैसे भी मुझे इसको फ्यूचर में कभी ना कभी तो कवर करना ही है, तो ये काऊ वाला फार्म भी इसके नीचे कवर हो जाएगा, तो बाद में कोई मेरे को बार बार डबल डबल चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उससे पहले ना मुझे इस एरिया को क्लीन करना पड़ेगा। एंड या मैं डर्ट लेके नहीं आया, और मुझे फेंसेस भी लानी थी तो मैं फेंसेस भी नहीं लेके आया, तो सबसे पहले तो है ना मेरे को इधर क्लीन करना पड़ेगा जिसके लिए मुझे डर्ट लानी पड़ेगी। तो फटाफट से पहले तो चलते हैं अपना फेंसेस एंड डर्ट लेके आते हैं जो मैं भूल चुका हूँ, एंड देन मैं आता हूँ एंड इसको क्लीन करने का काम शुरू करते हैं। ओके, सो अभी मैं डर्ट लेके आ चुका हूँ हमारे फार्म के पास, एंड चलो फटाफट से। ओ भाई, हमारा गोलम भाई ऊपर मर रहे हैं, तो उसको छोड़ो, मैं फटाफट से इसको तोड़ता टॉर्च को एंड अपना ब्लॉक लगा के क्लीन करना स्टार्ट करते हैं इसको, एंड मैं तुम लोगों को मिलता हूँ इस पूरे एरिया को क्लीन करने के बाद। ओके, तो गाइज अभी नहीं गड़बड़ हो चुकी है, एक्चुअली मेरी सारी डर्ट खत्म हो चुकी है, तो मुझे यहीं से अब डर्ट तोड़ना पड़ेगी। होपफुली मैं इसको बाद में ठीक कर दूं, बट अभी तो हमको यहाँ से डर्ट निकालनी पड़ेगी क्योंकि मैं नहीं जा रहा भाई बार बार बेस पे, बहुत ज़्यादा रॉकेट ख़राब होते हैं, वैसे मेरे पास कोई ढंग का फार्म नहीं है फायर वर्क्स के लिए, तो मैं यहीं से तोड़ने वाला हूँ इसको। एंड लिटरली सिर्फ इस एरिया को प्लेन करने में मेरे 2 दिन निकल गए थे, एंड देन नेक्स्ट डे मैंने सारी फेंसेस बनाई एंड फेंसेस लगाई, और अब काम शुरू करना था हमको हमारी काउ को कलेक्ट करना, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था लिटरली। ओके, सो अब बस आखिरी काम बचा है जो है यहाँ से हमारी गाय को लेकर जाना। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे पहले भी जो फार्म था वो मैंने तुम लोगों को वैसे बताया हुआ है वीडियोज़ में, तो फटाफट से यहाँ से निकालते हैं। अब इसको बदलने का रीज़न ऑब्वियसली बस वो कैंप फायर वाले ही नहीं, तो ये फार्म बहुत अच्छा था, मतलब एटलीस्ट ठीक ठाक था, तो चलो फटाफट से लेके चलते हैं। वैसे 2 आई थिंक इनफ रहेंगी,
बट दिक्कत होने वाली भाई इस नदी को पार करने में, क्योंकि भाई बहुत सारे, ओ भाई और आ गई, अरे भाई 5-6 आ गई आई थिंक। ओ हो ओके, तो ये आसान होने वाला, मतलब आसान क्या, ये अच्छा होने वाला हमारे लिए। तो चलो मैं इन सबको ले जाके तुम लोगों को डायरेक्टली वहीं पर ही मिलता हूँ। ओके सो फाइनली मैं इन लोगों को यहाँ पर लेके आ चुका हूँ। अब बस हमें इन लोगों को ब्रीड करना है एंड अब हमारे पास हो जाएगा अनलिमिटेड फूड, और अब फाइनली मैं मेरे स्टोरेज रूम पे काम कर सकता हूँ। एंड देन मैंने उनको पूरा दिन दबा के ब्रीड करा और उनकी तादाद को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। ओके सो जो स्टोरेज रूम बनाने के लिए मुझे सामान लगने वाला, उनमें से मोस्टली मेरे पास है लाइक कॉबल स्टोन, देन स्प्रूस की वुड एंड देन कुछ स्टोन्स, तो मैं कॉबल स्टोन्स को स्मेल्ट करने पर लगाना पड़ेगा हमको। एंड देन आई थिंक हमारे पास और कुछ चीज़ें नहीं हमको, हाँ मेरे को चेस्ट बनानी है, तो फटाफट से चलो चेस्ट बना देते हैं एंड देन अपना काम स्टार्ट करते हैं बनाना। ओके सो ये स्टोरेज रूम बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, बट इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात थी इन सारी चेस्ट्स को तोड़ के शिफ्ट करना। तो मैंने सोचा कि भाई सबको तोड़ लेते हैं, बाद में कलेक्ट करके डाल लेंगे, बट ये आइडिया बहुत ज़्यादा गलत था, क्योंकि इससे मेरा गेम इतना ज़्यादा लैग हुआ कि लिटरली कोई भी फुटेज रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो या जितनी भी मेरे फ़ोन से हो सकी, मतलब PC से हो सकी, बस उतनी तुम लोगों को देखने को मिलेगी। एंड देन फाइनली अपने कई दिन इसके ऊपर बर्बाद करने के बाद फाइनली हमारा एक छोटा सा भद्दा सा स्टोरेज रूम बन के रेडी हो गया था, जो तुम लोग बताओ कैसा लग रहा है। मेरे हिसाब से तो ठीक ही है यार, ठीक है मतलब। ओके सो जो नेक्स्ट काम ना मुझे करना है वो है एंड में जाना है, क्योंकि भाई एंड में हमको मिलते हैं बहुत सारे इलाइट्रस। अब इलाइट्रस तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, बट नेक्स्ट चीज़ जो हमको मिलती है उसके अंदर वो मिलते हैं बहुत सारे शल्कर्स, और ये शल्कर्स का मुझे बहुत ज़्यादा काम पड़ता है। एंड देन मुझे चाहिए होंगे बहुत सारे टूल्स जो हमको बहुत ज़्यादा काम आते रहते, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता मैंने नेदरराइट के टूल्स में तोड़ दूँ, इसलिए मेरे को डायमंड्स के टूल चाहिए, और उसके लिए मैं माइनिंग के लिए नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं जा रहा हूँ एंड पे। बट मेरे पास रॉकेट्स नहीं है, तो उसके लिए मेरे को पहले जाना पड़ेगा मेरे क्रीपर फार्म जो जिसका रास्ता है नेदर से। तो चलते फटाफट से लेके आते हैं रॉकेट्स। ओके तो रॉकेट्स लेके मैं डायरेक्टली एंड पोर्टल वाले नेदर पोर्टल पे आ चुका हूँ, तो चलते हैं फटाफट से एंड में, चलते हैं एंड सिटी लूट करने। तो कुछ मिनटों के खोजबीन के बाद ही फाइनली हमको हमारी पहली एंड शिप मिल गई थी, जो अब तो बहुत इजी है, हम डायरेक्टली लाइटर से जा सकते हैं एंड या मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाएगी। ओके सो एंड शिप मिल चुकी है गाइज, अब चलते हैं फटाफट से डायरेक्टली एंड। मैं बस ठूकूँ ना भाई, गंदा वाला भिड़ सकता हूँ। ओके तो हम आ चुके हैं और यहाँ पर होगा एक भद्दा सा शल्कर जिसको हम इजीली मार देंगे। मर जा भाई, मर जा गंदे इंसान। और फटाफट से हमारा निकालते हैं इलाइटर, और भाई इसके अंदर ठीक है बीएक्स तो हमको चाहिए थी। ओके नाइस भाई, ये वाली एंड शिप तो अच्छी थी, मतलब ठीक ठाक लुक थी इसके अंदर। ओके तो ये तो हो गया, चलो अब चलते हैं पूरी एंड सिटी लूटते हैं, बाकी के शल्कर्स को मारते हैं। एंड देन ऐसे ही मैंने मेरी पहली एंड सिटी लूटी, देन मेरे को मिल गई मेरी दूसरी एंड शिप जिससे मैंने फिर से इलाइटर लिया, एंड देन मैंने मेरी दूसरी एंड सिटी भी लूटी, देन मुझे मिल गई भाई अपनी तीसरी वाली एंड शिप, देन मैंने उसको भी लूटा, मतलब वहां से भी इलाइटर लिया एंड देन पूरी एंड सिटी लूटी, मतलब सेम ही प्रोसीजर था, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ दिखाया नहीं। ओके सो अभी मैं घर आ चुका हूँ, और जो नेक्स्ट काम मुझे करना है ना वो है कि बुक शेल्फ्स को हटाना, मतलब बुक शेल्फ्स का पूरा एन्चेंटमेंट सेटअप यहाँ से हटाना, क्योंकि मैं एक छोटा सा एक हॉबी टोल बनाने वाला हूँ एंड उसके अंदर इसको रखने वाला हूँ, क्योंकि बाहर बहुत बेकार लगता है एंड या ये मेरे हॉर्स की जगह भी रोकता है। तो या इसको फटाफट से तोड़ते हैं एंड देन हमारा हॉबी टोल बनाने का काम स्टार्ट करते हैं। ओके सो हॉबी टोल बनाना तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम मेरे लिए होने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा चीज़ लगती नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ लगने वाली कुछ कॉबलस्टोन, कुछ स्प्रूस और कुछ डोर्स और डर्ट, बस और कुछ भी नहीं लगने वाला इसमें। तो चलो फटाफट से इसको बनाते हैं एंड देन मैं तुम लोगों को मिलता हूँ। ओके तो फाइनली हॉबी टोल तो बन के रेडी हो चुका था, और जितना मैंने सोचा था ना भाई उससे बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा था ये, मतलब इतना छोटा सा बिल्ड है पर भाई बहुत अच्छा दिख रहा था ये, मतलब मेरे को नहीं लगा था हॉबी टोल इतना अच्छा दिखेगा, बट या सिंपल सा बिल्ड है, बहुत अच्छा लग रहा था। बट यहाँ पर वीडियो एंड नहीं होती, मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में बोला था कि
सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो उसका क्या हुआ? तो या मैं बनाने वाला हूँ एक वंडर जो है, जिसको तुमने बहुत सारी यूट्यूबर्स की वीडियो में ऑलरेडी देखा हुआ, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। इसलिए मैं इसके ऊपर कोई अलग वीडियो नहीं बनाना चाहता था, इसलिए मैंने उसको 100 डेज में कवर कर दिया। तो वो होने वाला है दी ग्रेट ताजमहल। तो ताजमहल को बनाने के लिए मेरे को कोई बहुत अलग अलग तरह के ब्लॉक्स की जरूरत नहीं थी। लाइक मुझे कुछ कॉमन ही ब्लॉक्स चाहिए थे जो मेरे पास ऑलरेडी थे मोस्टली। लाइक सबसे पहला ब्लॉक्स मुझे चाहिए था वो था गोल्ड, जिसको मैंने इजिली अपने गोल्ड फार्म से ले लिया था। एंड देन मुझे नेक्स्ट चाहिए था क्वार्ट्ज, जिसको मैंने नेदर से माइन कर लिया। एंड देन जितने भी क्वार्ट्ज मैं वहां से लेके आया था, देन मैंने उनको बदल लिया अपने क्वार्ट्ज के ब्लॉक्स में। एंड देन नेक्स्ट मुझे चाहिए था एमरल्ड, जिसको मैंने इजिली अपने एमरल्ड फार्म पे एफके करके ले लिया था। एंड देन नेक्स्ट जो मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम लगा था वो था हमारे ताजमहल के लिए जगह ढूंढना, क्योंकि मैं इसको कहीं पे भी बिल्ड नहीं कर सकता था। अब मैंने तीन जगह डिसाइड करी थी। तो पहली जो जगह थी ना वो मेरे बेस से थोड़ी नहीं अच्छी खासी दूर थी, बट वो उधर बहुत सारी जगह थी, मैं आराम से उधर बिल्ड कर सकता था। एंड देन जो नेक्स्ट जो जगह थी ना वो भी बहुत खुली थी, और वो मेरे मतलब घर से ज़्यादा दूर भी नहीं थी, बट वहाँ पर दिक्कत ये थी कि वो एक दूसरे विलेज के पास में थी, जिसको मैंने सोचा कि भाई उस विलेज को डिस्ट्रॉय हमको नहीं करना चाहिए। एंड देन नेक्स्ट जो जगह थी ना वो एक पहाड़ के ऊपर थी, और लिटरली भाई वो देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो यहीं पे बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो एज आई टोल्ड यू ये जगह एक पहाड़ के ऊपर है, तो इधर बिल्ड करना बिल्कुल भी ईजी नहीं होने वाला था। इसलिए मेरे को पूरा एरिया, सबसे पहला टास्क था मेरा उसको पूरा प्लेन करना, जिसमें मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया, बट स्टिल हमने पूरा कर लिया। ओके, तो पूरा एरिया प्लेन करने के बाद भी हमारे पास सफिशियंट जगह नहीं थी ताजमहल को बिल्ड करने के लिए, इसने मैंने देन पूरा एक डर्ट का प्लेटफॉर्म बिल्ड करा। ओके, सो फाइनली पूरा का पूरा एरिया प्लेन करके हो चुका है रेडी, अब हम इस पे फाइनली हमारा बिल्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं फाइनली। एंड भाई ये कितना ज्यादा बड़ा हो सकता है, मतलब ये लिटरली आई थिंक कुछ 70 या 80 by 80 का कुछ एरिया है लिटरली। भाई ये बिल्ड बहुत अच्छा दिखने वाला है। ओके, तो मेरे को तुम लोगों को ना एक चीज बतानी थी। लाइक तुम लोग मुझसे हमेशा पूछते रहते हो तुम इतने बड़े बिल्ड्स बनाते कैसे बेडरॉक में, क्योंकि बेडरॉक में लाइट में टिका नहीं होता। तो मैं एक्चुअली इस मेथड को यूज करता हूँ। अब मैं इसकी वीडियो की लिंक तुमको दे दूंगा, जिससे तुम भी कर सकते हो, इस तरीके होलोग्राम्स बना सकते हो। और या ये बहुत ज्यादा लैग करता है, एंड इसमें बहुत सारे ग्लिचेस भी हो जाते हैं, बट या ये एक लौता तरीका है जिससे तुम बिल्ड कर सकते हो इतने बड़े बड़े बिल्ड्स। तो नहीं तो और कोई तरीका नहीं है कोई, मैं तुम ये मत समझो कि मैं बहुत खतरनाक बिल्डर हूँ, नहीं भाई पता नहीं कर सकता मैं सर्वाइवल में, मैं भी क्रिएटिव बनाता हूँ। एंड देन उसका होलोग्राम लेके इसको इसमें बनाता हूँ, एंड ये बहुत ज्यादा लैग कर रहा है, इसको तोड़ना पड़ेगा। ओके, तो अभी मैंने सारा का सारा सामान लेके यहाँ पर आ चुका हूँ, बस हमें बिल्ड करना स्टार्ट करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेस ऑफ ताजमहल। ओके, सो बेस पूरा बन के रेडी हो चुका है, और इस पे भाई बहुत सारे मॉब्स भी स्पॉन हो चुके हैं, तो फटाफट से इसको मारते हैं एंड अपना काम कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो मैंने इसकी लाइक फाउंडेशन बोल सकते हो या कुछ आउटलाइन टाइप का बना लिया है, जिसको तुम देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ये। एंड ये बिल्ड बहुत मस्त होने वाला लिटरली। एंड या इसके लिए मैंने कुछ ज़्यादा रिप्ले या कुछ फाइल्स रिकॉर्ड नहीं करी, तो चला लेना प्लीज। ओके, सो देख सकते हो ये जो मेन बिल्डिंग का जो अपना एरिया होता है ना भाई, मैंने इसको मेनली मतलब बिल्ड कर लिया, बस इसके ऊपर का जो गोल वाला हिस्सा रहता है ना, बस वही बिल्डिंग करा मैंने। एंड यार ये अभी के हिसाब से तो आई होप सो ठीक लग रहा है, मतलब मुझे थोड़ा सा अजीब क्यों लग रहा है यार, ये ताजमहल जैसा क्यों नहीं दिख रहा। ओके, सो लास्ट कुछ स्टेयर्स बची है, तो फटाफट से लगा लेते 1, 2, 3 and 4। ओ फाइनली हमारा बिल्ड बन के रेडी हो चुका है। एंड रुको, हमको पहले इसके वो बढ़ा लेने दो, नहीं तो पूरा बिल्ड ही नहीं दिखेगा। फटाफट से इसको बढ़ा लेते हैं। एंड डैम, ओ भाई लेजेंड भाई, ये तो बहुत सही लग रहा है, मतलब मैंने इतना अच्छा लग गया सोचा नहीं था। एंड ये बहुत अच्छा लग रहा है, फटाफट से कम कर लेते हैं, नहीं तो ना लैग होने लग जाएगा भाई हमारा गेम। ओके, सो अभी बिल्ड तो बन के रेडी हो चुका है, बट एक दिक्कत हो चुकी है लिटरली। मैंने अभी देखा कि पता नहीं क्यों, अगर तुम लोगों को नहीं पता तो बता देता हूँ, मैं मेरे पीसी से बिल्ड करता हूँ एंड मेरे मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ लाइक मल्टीप्लेयर में। तो पता नहीं क्यों मेरा मोबाइल का जो रिकॉर्डर था वो नहीं चल पाया, मतलब क्या वही फुटेज उसकी, मतलब क्यों मेरे को समझ नहीं आ रहा, करप्ट हो गई है। एंड या कोई सी भी फाइल रिकॉर्ड नहीं हुई, तो सॉरी यार माफ कर देने, मतलब इस बिल्ड की एक भी फाइल मेरे पास नहीं है लिटरली, कुछ भी नहीं। तो यार ये चीज सैड तो मुझे करती है। एंड यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं 100 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर, और मैंने मेरे सारे गोल्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, और भी बहुत सारी वीडियोस हैं चैनल पे, और अगर तुम लोगों को देखना है कि मैंने कैसे बिल्ड करा था पूरा वर्ल्ड मैप वो भी माइनक्राफ्ट हार्डकोर में, तो वीडियो सामने दिख रही होगी, क्लिक करो, जिधर भी दिख रही है क्लिक करो फटाफट से, और जाओ उस वीडियो को भी देख लो।